सन्निकट सभी बरात एवं होली के त्योहारों तथा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की तारीख के ऐलान के 24 घंटे भी नहीं बीत पाए कि जिले के SOG टीम और सदर कोतवाली गौरीगंज के संयुक्त प्रयास से बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें अवैध देसी शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध अपमिश्रित देसी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन अभियुक्तों के पास से कुल 532 सीसी अवैध अपमिश्रित शराब, 1 ड्रम में 200 लीटर शराब, 40 लीटर शराब बनाने का केमिकल, 164 खाली सीसी, 431 ढक्कन, 4 बंडल टेप तथा 250 ग्राम कलर बरामद हुआ है। आपको बता दें कि जिले में अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के वरना टीकर के पास से एक 3-व्हीलर टेम्पो जिसका नंबर UP44T1899 को चालक कृष्ण सागर तिवारी को पकड़ लिया गया, जिनके पास से तलाशी में 7 गत्ते में 283 सीसी अवैध शराब बरामद हुई। और पूछताछ में उन्होंने बताया कि हम लोगों का एक गैंग है जो 2 जगहों पर मिलकर शराब बनाते हैं और फर्जी रैपर लगाकर शराब बेचते हैं। हम लोग आगामी होली के त्योहार तथा पंचायत चुनाव के अवसर पर कम लागत लगाकर अधिक पैसा कमाने के लिए शराब बनाकर जगह जगह बेचते हैं। पकड़े गए सभी अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजने की विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर फरार अभियुक्त रामस मुज पासी पुत्र दान बहादुर पासी निवासी रामपुर मजौली थाना मोहनगंज जनपद अमेठी की पुलिस तलाश कर रही है। शीघ्र उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। आज इस मामले का खुलासा पुलिस कार्यालय गौरीगंज में अपर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार पांडे के द्वारा किया गया। खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लगातार अमेठी पुलिस के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आगे बड़ी सफलता अमेठी पुलिस को मिली है, जिसके लिए दोनों टीमों को संयुक्त रूप से 5,000 का इनाम दिया जाएगा। अमेठी से रणविजय सिंह की रिपोर्ट, SKH न्यूज। शराब बना के आसपास क्षेत्र में बेच रहे थे। क्या लगता है इनका भी अपराधी इतिहास? अभी जानकारी नहीं हो पाई है, इनके अभी इंटरोगेशन चल रहा है, लेकिन ये 3 स्थानों से ये प्रभावित हो रहे थे और बहुत अच्छा कार्य किया गया, जिसके लिए इनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार। कितने दिनों से चल रहा था ये इंट्रोगेशन चल रहा है? ये बता रहे थे कि बना के हम जनपद के विभिन्न स्थानों पर इसको हम शराब बेचते हैं। सर, इसकी कितनी कीमत होगी? कीमत अभी इसको पता किया जा रहा है, क्योंकि ये शराब बना के बेचते थे, इसमें केमिकल मिला है, तमाम सीसियाँ मिली हैं, रैपर मिले हैं, तो इनकी कीमत शराब बनने के बाद ही इनकी यूज हो सकती है। कुछ बने हुए भी हैं। पंचायत चुनाव की दृष्टि से ये इसमें कहीं ना कहीं खपत की जाती है? ये लोग अब मिश्रित शराब बना के इसको बेचते थे और निश्चित रूप से इसका लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं, और मिश्रित शराब थी तो इससे जनधन की हानि हो सकती है। इनका धंधा जो था गैर जनपदों में था कि केवल अमेठी जिला में था? ये विभिन्न स्थानों पर बेचते थे, बाकी